हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज बूस्टिंग। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ जॉब इंटरव्यू के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी इंटरव्यू की बात आती है हम सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करते हैं अपने आप को, और कभी भी जो है जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, तो हमको जो है इंटरव्यू के फेज से गुजरना ही पड़ता है। सो फ्रेंड्स, हमको इंटरव्यू पे जाने से पहले किन किन चीज़ों की तैयारी करके जाना है और क्या क्या जो है चीज़ें अपने साथ लेके जाना है, इन सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे इस वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा कि 5 ऐसे सवाल हैं, 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग लगभग हर इंटरव्यू में किसी न किसी फॉर्म में पूछे ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप आने वाले समय में किसी भी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, नहीं तो कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई तो आपको जो है उसका लाभ नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो सो फ्रेंड्स, आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू पर जाने से पहले हम किन चीजों की तैयारी करते हैं सबसे पहले, आइए फिर हम उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज वो ये कि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में आपका एक बहुत बेहतरीन फॉर्मेट में और एक अच्छा सा आपके पास में रिज्यूम, बायोडाटा या CV होना चाहिए। फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइए, रिज्यूम, बायोडाटा, CV या करिकुलम वीटा, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, तीनों चीज़ें एक ही हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपको जो है एक अच्छे से फॉर्मेट में अपना पूरा डिटेल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आपका मोटिव, आपका फ्यूचर में क्या जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस, सब कुछ एक अच्छे फॉर्मेट में एक अच्छा सा बायोडाटा अपना बना लीजिए, चाहे खुद बना लीजिए या फिर किसी एक्सपर्ट से जो है अपना बायोडाटा रेडी करा लीजिए। तो एक अच्छा सा रिज्यूम प्रिपेयर कर लीजिए अपने साथ में। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उस वहाँ पर जाने से पहले आपको जो है और एक चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, उस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप अगर L&T कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो L&T कंपनी की उसको वो कब इस्टेब्लिश हुई, उसके CEO कौन है, वो उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसका प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है यही चीज़ें पूछ ली जाती है कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो है अपने CV के साथ साथ अपने जो है उस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर कलेक्ट कर लीजिए। और साथ में जो सबसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, वो होता है आपका ड्रेस सेंस। सो फ्रेंड्स, आप जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप जो है एक अच्छा सा फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, एक अच्छी सी फॉर्मल वॉच लगा के जाइए, फॉर्मल शूज में जाइए, मतलब आप देखने से जो है आप मतलब एक सभ्य लगने चाहिए, एक सिविलाइज लगने चाहिए, ना कि जो है सड़क पर घूमने वाले किसी आवारे की तरह। तो सो फ्रेंड्स, अगर आप जब भी इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो ये 3 चीज़ें जो है आप अच्छे से तैयारी करके जाइए, और फिर उसके बाद में आप जब जाएंगे उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पे आपका जो रिज्यूम है, जो मतलब जो डॉक्यूमेंट है, वो वहाँ के रिसेप्शन पे जमा हो जाता है। अगर फ्रेंड्स, जब आप वहाँ पर पहुँच गए हैं और जब उस समय आपका जो है रिज्यूम वगैरह वहाँ पर सब जमा हो गया है, बायोडाटा रिसेप्शन पर जमा हो गया है, तो इस बीच का जो फेज़ होता है ये बड़ा ही ज़्यादा डराने वाला होता है फ्रेंड्स। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप पहले ही जो है नर्वस हो गए तो मान के चले कि आपका इंटरव्यू खराब हो जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको कोशिश करते रहना है कि वहाँ पे जो और भी जो है फ्रेंड्स आए हुए हैं, जो भी लोग स्टूडेंट आए हुए हैं या जो भी जो है उस जॉब के लिए अप्लाई किए हुए हों आए हुए हैं, उनसे जो है आप कुछ ना कुछ बातें छेड़ के उनसे बातचीत करते रहिए और अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट रखिए और उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछिए, उनके एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करिए, अगर उनको कुछ उस कंपनी के बारे में पता है तो कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, मतलब उनसे कुछ बातें करिए लोगों से वहाँ पे जो भी लोग हैं। इससे क्या है कि आपको जो है नर्वस फील नहीं होगा और आपका दिमाग भी बटा रहेगा। तो अब फ्रेंड्स, बारी आती है कि हम वो 5 से क्वेश्चन कौन है
जब जो है जो आपको हम बताएंगे इस इंटरव्यू में, जब भी आप जो है इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कौन से 5 से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है जब नंबर आ जाता है और आप जो है उसके इंटरव्यू केबिन में अगर आप इंटर करते हैं, तो वहाँ जाने के बाद में आप परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन, और जाते हैं आप जो है चेयर पे बैठ जाते हैं। अब आपके सामने इंटरव्यू का पैनल बैठा हुआ है और आप बैठे हुए हैं। अब फ्रेंड्स बारी आती है, वहाँ पे होता क्या है, कभी भी जो भी इंटरव्यू लेने वाला होता है, शायद ही कभी ऐसा हो कि एक ही सिंगल पर्सन हो, अदरवाइज वहाँ पे मिनिमम 3 पीपल्स जरूर रहते हैं। वो इसलिए होता है कि उसमें सबके अपने अलग अलग काम होते हैं, कुछ आपसे क्वेश्चन करते हैं, कुछ आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, कुछ आपका जो है जो भी बातचीत करने का तौर तरीका है उसको ऑब्जर्व करते हैं, कुछ आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, मतलब सबको कुछ ना कुछ जो है पॉइंट्स मिले होते हैं जो आपको देने हैं। सो फ्रेंड्स, आपको जो है बिल्कुल भी जो है एकदम नर्वस नहीं होना, एकदम फॉर्मल वे में वो जो भी क्वेश्चन करते हैं बिना डरे हुए और बिना ज़्यादा जो है मतलब उनको ऐसा बिल्कुल भी मत समझने की, मतलब ऐसा भूल मत करिए कि आप ही सब कुछ जानते हैं और वो कुछ भी नहीं जानते और उनको कुछ भी बता के चले आएंगे और वो आपको बिल्कुल भी जो है मतलब पूरे पूरे मार्क्स दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा उनके पास में एक्सपीरियंस होता है और चीज़ें उनको पता होती हैं कि हमको जो है ये जो हमारा इंटरव्यूअर आया हुआ इंटरव्यू देने आया हुआ है ये जो है हमको बेवकूफ़ बना रहा है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है और आपको जो है सीरियसली एकदम जो चीज़ें आपको आती हैं कॉन्फिडेंटली उनका आंसर करना है। अब आती है फ्रेंड्स बारी पहले क्वेश्चन की, वो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है जो जनरली पूछा जाता है। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है जो अब हमेशा पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये कई तरीकों से पूछा जा सकता है कि अपने बारे में कुछ बताइए या अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जनरली लोग एक गलती कर जाते हैं, आपको गलती नहीं करनी है, जब बोलते हैं इंटरव्यू पैनल आपसे बोलता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपको चीज़ ध्यान रखना है, जनरली लोग शुरू करते हैं माई नेम इज़ फला, माई नेम इज़ फला, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि उसके पास में आपका रिज्यूम जो है वो पहले से पहुंचा हुआ है, उसे पता है कि आप सुशील हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं बोलना है कि सर माई नेम इज़ सुशील, इस चीज़ को जो है ऐसा नहीं बोलना है, आपको जो है सलीके से जवाब देना है, सर जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सुशील है, ठीक है, और मैंने मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, फिर आप अपना जो भी इंट्रोडक्शन देना है वो अपनी चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस करिए। लेकिन आपको शुरू में ये नहीं कहना कि सर माई नेम इज, आपको बोलना सर जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सुशील है, ऐसे शुरुआत करनी है, ठीक है। और तो ये रहा जो है पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है, कि वाई डू यू वॉन्ट टू डू ए जॉब, आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं। फ्रेंड्स जनरली क्या है कि लोग वहाँ पे जाते हैं तो अपना जो है प्रॉब्लम्स गिनाने लग जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इसलिए मेरे को जॉब करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हैं तो आपको इस तरह से कोई जवाब नहीं देना है, आपको बोलना है कि जो है सर मेरी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई है और मुझे अब लगता है कि अब मुझे अपना करियर शुरू करना चाहिए और एक अच्छा सा स्कोप खोजना चाहिए जहाँ पे मैं अपना फ्यूचर बना सकूँ, इसलिए मुझे जो है जॉब करनी है। तो आपको इस तरीके से जवाब देना है कि आप अपना करियर बनाने के लिए जॉब करना चाहते हैं, ये नहीं कि आप मजबूरी में उसके पास आए हुए हैं। तो इसका क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा अब आती है बात तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों रखूँ। जनरली जो है प्राइवेट कंपनियों में जो है इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि मैं आपको क्यों रखूँ, मैं क्यों दूँ आपको नौकरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको जो है अपनी काबिलियत को उसके सामने पेश करना है, कैसे बोलना है कि सर मेरा क्वालिफिकेशन लेवल ये है और ये जो जॉब है मैं अपने आप को जो है इस जॉब के प्रति जो सुटेबल मानता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसको इस जो भी वर्क प्रोफाइल है जो जॉब प्रोफाइल है इस फॉर्मेट के लिए मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए जो है इसमें जो है आपकी कंपनी का भी ग्रोथ है और मैं समझता हूँ कि आपको मुझे रख लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहा तीसरा क्वेश्चन जो जनरली जो है इंटरव्यू पैनल की ओर से आपसे पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन ये है कि टेल मी योर डेली शेड्यूल। फ्रेंड्स इस तरह के सवाल कई बार आते हैं या फिर जो है बहुत कॉमन से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपने अपना पिछले संडे कैसे बिताया या आपका डेली शेड्यूल कैसा है या आपने लास्ट टाइम मूवी कैसे देखी। तो फ्रेंड्स उसमें जो है अगर एक बात बोले कि उनको जो है आपके डेली शेड्यूल से कोई मतलब नहीं है, वो जनरली देखना चाहते हैं कि आपकी जो बातचीत करने का तौर तरीका है वो कैसा है। तो अगर आप लैंग्वेज
जानना चाहते हैं वो आपसे, अगर इंग्लिश सुनना चाहते हैं तो आप उनको इंग्लिश में जवाब दीजिए, जैसा भी आप, जैसा भी वो फॉर्मेट हो, और अगर वो हिंदी में जानना चाहते हैं तो उनको हिंदी में बताइए। तो आपकी बातचीत करने का जो है तरीका जानना चाहते हैं तो आप उनको थोड़ा सा रॉयल्टी बेस में बताइए। रॉयल्टी बेस का मतलब कि जनरली की जो है हमने जो है, जैसे मेरी हॉबी है, मैं जो है सुबह सो के उठता हूँ, उसके बाद में जो है टहलने जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ, तो टहलने के बाद में फिर अपने जो है घर की सफाई वफाई थोड़ा बहुत करके, उसके बाद में मैं जो है स्टडी करता हूँ या मूवी देखना हूँ, मतलब थोड़ा सा सब सिविलाइज वे में जो है आप अपने जो शेड्यूल है डेली उसको इंट्रोड्यूस करिए, और जो भी एक मिनट दो मिनट उसके बाद में उसमें वो जो है आपको ऑब्जर्व कर लेंगे कि आपका जो है जो कन्वर्सेशन का तरीका है वो कैसा है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट जो है कंपनी में बैठे हुए हैं तो इस बीच में आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन जो है, जो भी आपके जो है जिस भी फील्ड की हो, आप इंजीनियरिंग से हैं तो इंजीनियरिंग का अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंट के फील्ड से, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे भी जो है आप उनको सारे क्वेश्चन आंसर्स दे देते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो जो सबसे आखिरी क्वेश्चन आता है वो आपसे जो पूछा जाता है, पांचवा क्वेश्चन, कि आप हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, मतलब आप जो है कितनी सैलरी लेंगे या कितनी सैलरी आप चाहते हैं कि हम आपको दें। तो फ्रेंड्स, जनरली जो है वहाँ पे होता क्या है कि अगर आप जब कोशिश करिए कि वहाँ पे जो जिस पोस्ट के लिए वो जो है जॉब ऑफर की गई है, तो वहाँ पे जो पहले से लोग जो है वर्किंग हैं, अगर आप बाहर बातचीत करके अगर थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटा सकें तो बेस्ट है। कि मान लीजिए अगर उस जॉब के लिए मान लीजिए 20,000 रुपये या 25,000 रुपये ऑफर की जा रही है, तो 2,000-4,000 रुपये प्लस करके आप उसको जो अपना आंसर दीजिए। और फिर अगर वो बोलते हैं पैनल में आपसे, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है भाई इतना तो हम अपने यहाँ किसी को नहीं देते हैं, तो आप उनको जो है उनसे थोड़ा सा आप जो है बार्गेनिंग कर सकते हैं कि उनको बताइए भाई हम यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, यहाँ पे हमको इतना तो यहाँ एक्सपेंड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो कुछ तो मेरी सेविंग होनी चाहिए। तो आप वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है बार्गेनिंग कर सकते हैं, बट कभी भी इतना भी ज़्यादा जो है अपने सैलरी एक्सपेक्टेशन मत बता दीजिए कि वो सिरे से ही आपको रिजेक्ट कर दे। तो फ्रेंड्स, ये पांच क्वेश्चन जो है जो जनरली जो है आम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कॉमन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और इनमें से मानिए कि कोई ना कोई क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन तो सभी को फेस करने ही पड़ जाते हैं। तो आई होप कि अगर आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चन का जो है एक बार ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो आप बायोडाटा लेके गए हैं उसके बारे में तो बहुत अच्छे से स्टडी करके जाइए। कई बार क्या है कि आप साइबर कैफे वाले से अपना बायोडाटा तो बनवा लिए और उसके बारे में फिर उसको आपने जो है बढ़िया से उसको पढ़ा नहीं, उसको जाना नहीं, और वहाँ पे जो है कई बार जो है इंटरव्यू लेने वाले जो पैनल के लोग होते हैं उसी में से चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उनको वो भी समझ जाते हैं कि रटी रटाई चीज़ इसने जो है बना लिया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो है इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से तैयारी से जाना है और एक सिविलाइज वे में अच्छे से वहाँ पे जवाब देना है पूरे कॉन्फिडेंट के साथ में। और अगर उनको लगता है कि जो है आप परफेक्ट कैंडिडेट हो उनके उस जॉब के लिए, तो हो सकता है वो आपको वेट करने के लिए बोलें आगे की प्रोसेसिंग के लिए। और अगर आपको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको मतलब मैंने रिजेक्ट कर दिया है आप जाइए यहाँ से, आपको जो है बोल देंगे कि आप जाइए हम आपको कॉल करके बताएंगे, क्योंकि जो है जब सारा इंटरव्यू पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो अगर उनको नीड होगी तो बुलाएंगे, अदरवाइज जो दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप जा रहे हैं इस इंटरव्यू के लिए तो अच्छे से तैयारी करके जाइए। बेस्ट ऑफ लक।